दी जाती। थानेदार केस नहीं लिखता जब तक हाई कमान का आदेश नहीं होता। पिछले जंगल राज का क्या स्थिति थी वो भी आप लोग से छुपा नहीं है, ना ही बिहार की जनता से छुपा है। नीतीश जी और जो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं नमो नीतीश, वो लगातार जो है सिर्फ काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है विकास के लिए, और उसके लिए पहले उन लोगों का मिशन समझिए। मिशन क्या है? मिशन ये है नीतीश जी का कि भाई न्याय के साथ विकास हो, यानी कोई आदमी को अलग से कोई विकास नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए। इसका 10 आदमी है जो न्याय होगा वही करेंगे। काट दी जाती, थानेदार केस नहीं लिखता जब तक हाई कमान का आदेश नहीं होता। ये स्थिति थी बिहार की। हमसे पूछिए, नीतीश कुमार जी ने स्थिति बदली, सबसे पहले महिलाओं की स्थिति बदली। बिहार की महिलाएं कभी नहीं सोचती थी हम खुलेआम सड़कों पे चल सकते हैं, हम हर क्षेत्र में नौकरियां पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कन्या उत्थान योजना लाया, लड़कियों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था की, लड़के लड़कियां सबके लिए एजुकेशन सबके लिए मुफ्त, प्रोत्साहन राशि के रूप में जो लड़कियां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करती हैं, अरे भाई एमए करते करते 1 लाख रुपए सरकार खाते में दे रही है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, वो साइकिल सिर्फ साइकिल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रोग्रेस को दर्शाता है, हमारी गति को दिखाता है। हम इतने गतिमान हुए इनके शासन में। आरजेडी के साथ मेरा गठबंधन बना तो 7 नीचे 2 के आधार पर गठबंधन बना, क्योंकि 7 नीचे 2 एनडीए की जब 20 के चुनाव में जब एनडीए बहुमत में आई, सरकार बनाए, उस समय हमारा 7 नीचे 2 पर काम चल रहा था। गठबंधन हमारा किसी कारण बस टूट जाता है। आरजेडी के साथ गठबंधन होता है तो मुद्दे का आधार पर गठबंधन होता है। हम 7 नीचे 2 के आधार पर गठबंधन किए थे, हम व्यक्ति विशेष का गठबंधन नहीं किए थे। पिछले जंगल राज का क्या स्थिति थी वो भी आप लोग से छुपा नहीं है, ना ही बिहार की जनता से छुपा है। वो लोग भिंडोरा पीटते चल रहे हैं, परिवारवादी जो लोग हैं, आरक्षण की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो वो जरा ये बताए कि उनके जब माता पिता का शासन काल था तो उस समय उन्होंने कितनी नौकरी दी, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो हमने कितनी नौकरी देने का काम किया था, जरा इसका आकलन कर ले। अभी पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन हमारे वो तो सिर्फ दलितों, अति पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। दलित और अति पिछड़ों के मसीहा बनकर बिहार में ये पटना जिला में सबसे बड़े जमींदार कोई कहे जाते हैं तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, जिनका जमीन है पटना जिला में खाली है कि 42 कट्ठा 42 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर और 14 धूर की है। आप लोग भी जान लीजिए इतना बड़ा जमींदार जो गरीब का मसीहा था, दलित और कुचले का मसीहा था, वो इतना बड़ा जमींदार कहाँ से।